कर दे रहा है। यहाँ कुछ कुछ सूख जा रहा है आम। ये सब एकदम पेड़ के पके हुए पपीते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग में हो चुकी है। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं थोड़ा सा पीछे जो बाग है उसमें गुड़ाई करने, क्योंकि कुछ दिन पहले उसमें पानी चला था तो अब वो मिट्टी अच्छे से भुरभुरी टाइप की हो गई है। और कुछ और सब्जियां लगाना है तो उसके लिए नाली वगैरह बनाना है। इधर इस समय देखिए पूरा पपीता कितना ज़्यादा ज़्यादा पक रहा है। एक साथ एक बाल्टी पूरा लगभग 8-9 किलो पपीते होंगे। इधर फूल तोड़ के रखा गया है पूजा के लिए। ये सब एकदम पेड़ के पके हुए पपीते हैं। इस समय इतना मीठा हो रहा है कि बहुत ही। इधर ये सूखने के लिए फैलाया गया है। ये दो बनाया गया, इसमें लगेंगे लौकी। और ये है मिट्टी, पूरा पानी भरा गया था, अब थोड़ा थोड़ा भुरभुरा हो गया है। इसमें लगेंगे भिंडी वगैरह, तरोई। मिट्टी भुरभुरा हो जा रहा है। यहाँ पूरा लगेगा, बनाना पड़ेगा नाली वगैरह। ये आम में बाहर आ गए। यह है कपूरी आम। यहाँ कीड़ा भी लगना स्टार्ट हो गया। जैसे बाहर आया वैसे कीड़ा स्टार्ट। इसको हटाया जाए। देख रहे हैं कीड़े इसको नुकसान कर दे रहे हैं। यहाँ कुछ कुछ सूख जा रहा है आम। ये लगे हैं चुकंदर, काफ़ी अच्छे अच्छे अभी इस समय बड़े बड़े हो रहे हैं। तो गाइस अभी चलते हैं, इसको बनाते हैं, उसके बाद आपसे रूबरू होंगे। Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale? Finally, I have done this. लगभग एक घंटे लगे। हालत ख़राब गर्मी से, चलते हैं थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह हो, उसके बाद कुछ काम होगा। तो दोस्तों ये है बीज, इसमें रखा है लौकी का, एक करेला और नेनुआ का बीज भी गोया है। इसको लगाना है अभी तरोई लौकी का, कल से भी गोया तो अच्छे से ये जम जाएगा।
ये है लौकी का बीज, 5 बीज है और ये हमने तैयार कर लिया। इसमें 2 क्यारी, एक ये, तो 2 बीज इसमें रखेगा और 3 बीज उसमें। अब ये है लोबिया, इसको लगाएंगे इधर। ये इधर जो क्यारी क्यारी है बीच बीच में गड्ढे में लगाना है। पाँच छः दिन बाद ये आराम से निकल जाएगा और ये गड्ढे में रहेगा तो यहाँ पानी भरने में आसानी रहेगी।